महिंद्रा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी आज मेरे सामने खड़ी है और आज हम इसका जो है रिव्यू करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फ्रंट लुक इसका दिखा देता हूँ। फ्रंट में आपको ये मेरे सामने टॉप मॉडल खड़ी हुई है, 2022 मॉडल है। एंड फ्रंट में बात करें तो फ्रंट में आपको यहाँ पर हेडलाइट कुछ इस प्रकार की दिखती है एंड इंडिकेटर भी आपको हाइड्रोजन बल्ब दिया गया है एंड नीचे फॉग लैम्प में भी आपको बल्ब दिया गया है। एंड इसके अलावा ये यहाँ पर फ्रंट प्रोफाइल है कुछ इस तरह का बम्पर। इसके अलावा ग्रिल ये आती है कंपनी से ही एंड ये पुराना वाला महिंद्रा का लोगो अब जो आ रहे हैं उसमें नया आ रहा है एंड बोनट कुछ उसी तरह का है एंड यहाँ पर पानी फेंकने वाला भी है, ये हो गया एंड वाइजर हो गए मतलब वाइपर सॉरी। एंड यहाँ साइड से भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कुछ एंड ग्राउंड क्लियरेंस या आपको साइड में लिखा हुआ मिल रहा होगा। एंड बात करें इसके टायर की साइज़ की तो टायर साइज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। टायर साइज़ यहाँ पर आपको मिलता है 17 इंचेस का विथ अलॉयज अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं एंड अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पर आपको जो है व्हील कवर के साथ रिम मिलेगी। इसके अलावा ये है कुछ साइड लुक, यहाँ पर क्रोम ये लगवा रखा है साइड से आफ्टर मार्केट एंड बुलेरो की पहली पहचान ये जो स्क्रू से कसा रहता है ये उसकी पहली पहचान। एंड यहाँ पर देख सकते हो कैसी बिल्डिंग भरी गई है, ये देख सकते हो ये काफ़ी भद्दा सा लगा बट कहीं ना कहीं बुलेरो का लुक यही बनाता है। एंड इसके अलावा ये कुछ फिनिश है यहाँ पर ब्राउन कलर से एंड ये ब्लैक कलर की पट्टी, ये बुलेरो की पहचान हो गई। भाई साहब कहा जाए तो बुलेरो मतलब सबसे अलग ही गाड़ी आई थी मार्केट में एंड आज तक ये चल रही है एंड हर गवर्नमेंट ऑफिसर को ज़्यादातर बुलेरो ही दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। एंड पीछे से कुछ इस तरह का है, ऊपर आपको स्पॉइलर मिल जाता है, उसमें हाई माउंट स्टॉप लाइट भी मिलती है। देन इसके अलावा बुलेरो यहाँ पर व्हील मतलब स्टेपनी के लिए मिल जाता है। इसके अलावा ये कुछ नीचे का बम्पर एंड ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बता ही दिया है। एंड स्पेस की बात करें अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है आपको। इसके अलावा ये वाइपर भी मिल जाता है आपको एंड ये डोर ओपन करने का, ये है लाइट इसकी बैक साइड की, तीनों ही हाइलोजन बल्ब मिलते हैं, कोई भी एलईडी या डीआरएल नहीं है। इसके अलावा ये है बुलेरो की बैजिंग यहाँ पर साइड पे एंड ये एयर इंटेकर है हल्का सा मुझे ऐसा लगा। एंड इसके अलावा ये है कुछ इसका साइड प्रोफाइल, ये है सीसा वीसा। एंड भाई ज़्यादातर ट्रिप जो है शादियों में बुलेरो ही कंप्लीट कराता है क्योंकि विदाउट बुलेरो शादी शादी नहीं लगती है। तो यार बुलेरो का काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण मतलब कहा जाए तो रोल रहता है हर जगह पे। तो आपको कैसी लगी ये बुलेरो नीचे कमेंट करके बताना एंड इसी तरह और वीडियोस चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।